हाई एवरी वन वेलकम टू जे केमिस्ट्री सोई इसकेरिथर सीरीज में चैप्टर नंबर थ्री हम कर रहे हैं और इस चैप्टर में एट वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो अगर आप देखना चाहते हैं वहाँ से चेक कर सकते हैं ठीक है इसके बाद चूकी आपको पता है कि नेट का एग्जाम भी बहुत पास है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी क्योंकि आपकी रिविजन वाला फेज चल रहा होगा अभी तो अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो आपको कैथर्स सीरीज़ का चैप्टर नंबर वन एंड टू डेफिनेटली करना चाहिए वहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और क्योंकि हमने सारे चैप्टर डिटेल में एकदम करे हैं सारे एग्जाम्पल्स करे हैं प्रॉपर मैकेनिज्म देखा है तो आपको वो वाली वीडियोज़ देखनी चाहिए एक बार रिविजन पर्पज़ के लिए एक काम कर सकते हैं वीडियो अपने प्ले करी उसको आप टू की स्पीड में प्ले कर दो क्या होगा इससे आप सारे एग्जाम्पल्स कर लोगे आप फटाफट से मैकेजम देखते हुए चलोगे तो इससे ना आपकी अप्रोच डेवलप होती है एग्जाम में जब जो आप नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको यह पता है कि अच्छा ठीक है इस टाइप का री है हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया हुआ है या फिर इस तरह का जब हमारे पास सबस्ट्रेट होता है तो कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट होती है ठीक है इन सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट किया कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे हूँ मैकेनिज्म देखे हूँ तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एग्जाम में जाने से पहले चैप्टर नंबर वन एंड टू अच्छे से देख के जाना वहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नेट के एग्जाम में ठीक है अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें पाईसाइकिल केमिस्ट्री की तो ये तो हम स्पेसिफिकली बुक पढ़ रहे हैं बट इससे पहले भी मैंने चैनल पे केमिस्ट्री पूरा डिटेल में करवाया हुआ है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अगर आपको जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करना है वहां से देख सकते हैं ठीक है चलो अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की मैंने लास्ट क्लास में आपको ये होमवर्क दिया था अब बात यह है कि जो ये वाला सबस्ट्रेट है ना जैसे जो लास्ट क्लास एक लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इन्वॉल्व थी यहां पे भी जो ये वाला सबस्ट्रेट है यहाँ पर भी पहले इलेक्ट्रोसाइकिल

अगर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है तो देखो अभी क्योंकि हम सिर्फ डी सेल्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो अभी ना आपको देखते ही लग रहा है कि कि ठीक है 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 हमें हमें पता रिएक्शन ही अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन में लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे सारे चैप्टर से कंबाइंड क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो वहां पर रिकॉग्नाइज कर पाना है कौन से वाली इलेक्ट्रोसाइक्लिक होगी कौन से डी सेल्डर रिएक्शन होगी कौन सी ट्रॉपिक होगी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है तो वहां पर ना आपको कॉन्जुगेटेड पॉलीइन मिलेगा कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। पॉलीइन का मतलब क्या है पोली होता है मल्टीपल और इन मतलब डबल बोन्ड यानी कि मल्टीपल डबल बोन्ड्स होंगे कॉन्जुगेशन में होंगे फॉर एग्जांपल जैसे आप सपोज कर लो कि मैंने कुछ इस तरह का सिस्टम रखा तो मान लो ये है हमारे पास क्या है तीन डबल और कॉन्जुगेशन में है तो उसको हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेटेड पोलियन कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है ऐसे कोई जरूरी नहीं कि तीन आपको मिलेंगे कई बार हमें ऐसा सिस्टम भी देखने को मिलता है वो ओपन सिस्टम भी हो सकता है और साइक्लिक सिस्टम भी हो सकता है इस तरह का सिस्टम भी अंडरगो करेगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ठीक है इसके अलावा आप सपोज करिए अगर हम कुछ हमने ओपन सिस्टम ले लिया अपना क्लोज सिस्टम हो गया और अगर हम ये भी देखें ना तो ये वाला सिस्टम भी अगर साथ में कोई सबस्ट्रेट अगर मान लो है या आपको पता है कि डाइन है क्योंकि हम अभी तक तो डील सेंडर रिएक्शन पढ़ रहे हैं आपको पता है कि डाइन है ये लेकिन साथ में अगर कोई डाइनोफाइल नहीं है और डायरेक्टली हम इस वाले सिस्टम को हीट करवाना स्टार्ट करें तो क्या कोई रिएक्शन होगी क्या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइकिल रिएक्शन होगी ठीक है हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड पोलिइन है तो यहाँ पे डील सेंडर रिएक्शन के लिए क्या चाहिए डाइन है अपने पास डाइनोफाइल डाइनोफाइल चाहिए होगा नहीं है हीट किया हुआ क्या करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग होगी यहाँ पे ये वाला बोन यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वाला बोन यहां शिफ्ट करेगा ऐसे करके हमें ये वाला सिस्टम मिल जाएगा ठीक है तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में एक तो हमें चाहिए होता है कॉन्जुगेटेड पोलिन इसके बाद कंडीशन जो होगी कौन से वाली कंडीशन में होगा जैसे हमने बात की थी डीजेल्डर रिएक्शन में हमने कहा था कि थर्मल कंडीशन चाहिए होती है या तो हीटिंग चाहिए होगी या फिर वैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी होता है कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं जो लो टेम्परेचर पर भी होते हैं हमने ऐसे रिएक्शन भी देखे जहाँ पर माइनस डिग्री सेल्सियस पर भी डीजल्डर रिएक्शन हो रही है है ना लेकिन अगर बात करेंगे फोटोकेमिकल कंडीशन की और थर्मल कंडीशन की सो डी सेल्डर रिएक्शन फ़ोटोकेमिकल कंडीशन में नहीं होते हैं उनको थर्मल कंडीशन चाहिए होती है और फिर हमने कहा था कि वहाँ पे ल्यूइस एसिड भी कई बार कैटलिस से यूज़ है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी हम डील से अंडर रिएक्शन करवा सकते हैं लेकिन अगर बात करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की तो यहां पे या तो थर्मल कंडीशन चाहिए होगी थर्मल कंडीशन को मैं ऐसे डेल्टा दिखा देते हैं हीटिंग करवानी है बेसिकली या तो थर्मल कंडीशन चाहिए होगी या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन चाहिए होगी जिसको हम इस तरह से लिख रहे हैं ठीक है तो पहले चाहिए होगा कॉन्जुकेटेड पोलिइन देन थर्मल या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन इसके बाद बात करते हैं अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की या yeah, फिर एक चीज और देखो यहाँ पे रिंग ओपनिंग हो सकती है और रिंग क्लोजिंग भी हो सकती है रिंग ओपनिंग हो सकती है और रिंग क्लोजिंग भी हो सकती है जैसे इस वाले केस मैंने रिंग को क्लोज करवाया है यहाँ पे रिंग ओपन होगी यहाँ पे भी रिंग क्लोज होगी ठीक है इसके बाद अगर बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री की तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा वेज पे आएगा कौन सा डैश पे आएगा सो स्टीरियो केमिस्ट्री को प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं यहां पे वुडवर्ड हॉफमैन रूल वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा और ये काइंड ऑफ ट्रिक ही होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे समझिए मैं आपको एक बार लिखाती हूँ फिर अप्लाई करके दिखाऊंगी ठीक है तो बात ये है अगर मान लो फोर पाई सिस्टम है अगर फोर पाई सिस्टम है या फिर अगर आप इसको मल्टीपल रिएक्शन से अप्लाई करो तो 4 एंड पाई सिस्टम अगर 4 एंड पाई सिस्टम है और आप हीट कर रहे हैं सो तो फोर पाई हीट कौन होता है ऐसे फोर पाई हीट कौन कौन का मतलब क्या होता है कौन रोटेशन ये मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अभी हम डील सेंडर रिएक्शन पढ़ रहे हैं बट कौन रोटेशन नहीं? आप ऐसा समझो जब भी हमारे पास कौन रोटेशन होगी ना तो वहां पे स्टीरियो के मिस्ट्री चेंज करती है आप यहां लिखेंगे स्टीरियो चेंज हमें स्टीरियो चेंज करनी है ठीक है और फिर अगर मान लो फोर पाई सिस्टम ही है लेकिन फोटोकेमिकल कंडीशन है तो वहां डिस रोटेशन होती है यानी कि डिसरोटेटरी डिसका मतलब क्या है डिसरोटेटरी डिसरोटेटरी और जब ऐसा होगा तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी स्टीरियो डज नॉट चेंज जो हमारा नेक्स्ट वाला एग्जांपल है जो आपको होमवर्क दिया था मैंने वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है है इस तरह से रहता है. तो ये हमने बात करी है फोर एन पाए सिस्टम की एक सिक्स पाई सिस्टम भी होता है जिसको हम फोर प्लस टू पाए सिस्टम भी बोल देते हैं या फिर इसको हटाओ हम सिंपल बोलेंगे सिक्स पाई सिस्टम अगर सिक्स पाई है और उसमें अगर हिटिंग दी हुई है कभी से फोर पाई हीट कौन होता है तो यहाँ पे सिक्स पाई हीट डिस होता है उल्टा होता है ठीक है ऐसे ही अगर सिक्स पाई में फिर फोटोकेमिकल कंडीशन अगर होगी तो उस वाले केस में कौन रोटेशन होगी इस तरह से चलता है ठीक है फिर से वही बात है कि कौन होगा तो हम स्टीरोमिस्ट्री चेंज कर देंगे चेंज करने का मतलब यह है कि अगर सबस्ट्रेट में सिस है तो प्रोडक्ट आपका ट्रांस होगा ठीक है और अगर चेंज ना रोटेशन का मतलब क्या है चेंज नहीं होगी स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि अगर सबस्ट्रेट में आपके पास ट्रांस है सबस्ट्रेट आपका तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी ट्रांस ही रहने वाला है ठीक है अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं तो इसे ऐसे रहता है आपको याद करना होता है सिंपल ऐसे याद को फोर पाई हीट कॉन फोर पाई हीट कॉन बस और सिक्स पाए फोटोकॉन बस ऐसे याद रख लो है हाँ? ना अगर एक भी ध्यान रखोगे बाकी सारे उसके रिवर्स हैं कि जैसे फोर पाई को अगर आप हीट करोगे तो कौन रोटेशन आएगी तो अगर फोटोकेमिकल कंडीशन हो तो डिस आएगी ठीक है अगर फोर पाई में हीट करने से कौन आ रहा है तो सिक्स पाई में हीट करने से डिस आएगा ऑफिस उल्टा कर दो इस तरह से हम करते हैं ठीक है अब इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं देखो सपोज करो मैंने ये वाला सिस्टम लिया यहाँ पे ये पाईपोन लगाया लेट से यहाँ पर मैंने ये मिथाइल लगाया है वेज पे और ये लगाया यहाँ पे डैश पे दोनों मिठाइल हैं और मैंने एक को लगाया वेज पे एक लगाया डैश पे और मैंने यहाँ पे हीटिंग दिखा दी सपोज इस तरह से अगर आप बात करोगे ये किस तरह का सिस्टम है ये हमारे पास हमें सिर्फ एक ही पाई बोंड दिख रहा है तो आप ये कह सकते हो कि हमने तो कहा कि कॉन्जुगेटेड पोलियन सिस्टम होगा यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पाई बोंड है तो बात ये है ऐसे वाले रिंग्स में वैसे भी बड़े वाले सिस्टम्स में भी जो ये सिंगल बॉन्ड है ये भी क्या कर सकता है ये भी दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा तो ये भी अपने दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर सकता है सो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए और दो इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से आए टोटल कितने हो गए फोर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फोर पाए इसको बोल रहे हैं फोर पाए ठीक है तो क्या होगा अभी हमें ये रिंग ओपन करवानी है यानी कि मान लो मैंने इस वाले बोंड को यहाँ शिफ्ट किया और ये वाला बोंड यहाँ शिफ्ट हो गया हो गया रहा है अगर हम चार्जेस के हिसाब से देखें आपको समझ में भी आएगा अच्छे से हम इस तरह से देख सकते हैं कि इस वाले बोंड को मैंने ऐसे ब्रेक करवाया तो क्या होगा इधर आएगा नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव अब बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना क्या पड़ेगा मुझे यहाँ पे नेगेटिव चाहिए होगा तो मैं साली बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाऊू यहाँ पे नेगेटिव आए और यहाँ पे पॉजिटिव आए फिर क्या होगा ये नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे और ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे ठीक है हालांकि ऐसे चार्जेस होते नहीं है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है ये सिर्फ समझाने के लिए है एक्चुअल में क्या होता है एक्चुअल में ऐसे दिखाते हैं ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट है तो क्या होगा देखो वन टू थ्री एंड फोर दैट मीन्स वन टू थ्री एंड फोर वन टू के बीच में पाई बॉन्ड थ्री फोर के बीच में पाई बॉन्ड ठीक है अब जो वन है और ये अपना फोर है इसके ऊपर हमने कि में ट्रांस था। स्टार्टिंग में ट्रांस था, है ना ये? एक वैज पे एक डैश में मतलब ट्रांस है अब देखो ये है फोर पाई सिस्टम ठीक है सो फोर पाई हीट पे क्या होता है कौन होता है कौन का मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी है? है ना कौन में आप लगा लो सी फोर कौन सी फोर चेंज यानी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी है दैट मीन्स अगर ये ट्रांस है इसको हमने चेंज करके सिस बनाना है और हमने डील्स एंडर रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री देखने में बताया था कि अगर मान लो दोनों ग्रुप बाहर की तरफ है तो वो सिस है ये भी सिस है और इसके साथ साथ अगर आप ऐसे बनाएं ये भी सिस है क्योंकि इसमें दोनों मिठाइल अंदर की तरफ है इसमें दोनों मिठाइल बाहर की तरफ है तो ये दोनों सिस हैं ठीक है ठीके? इसको भी हम सिस बोलेंगे ये दोनों ही सिस हैं ऐसे दिखा दो ये सिस है ठीक है अगर ट्रांस बनाना होगा आप एक को बाहर दिखाइए एक को अंदर दिखाइए ट्रांस है ठीक है अगर आप ऐसे दिखाएं कि आपने इसको बाहर दिखाया इसको अंदर दिखाया तो ये भी ट्रांस है ठीक है अब क्योंकि यहाँ पे कौन रोटेशन है तो ट्रांस वाले नहीं बनेंगे सिस वाले बनेंगे मतलब आप या तो ये बनाओ या फिर ये बनाओ क्योंकि एमसी पेपर है तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे इतना समझ में आया इस तरह से करते हैं जैसे आप सपोज करो कि मैंने ये सेम सिस्टम लिया और इस बार यहाँ पे लगा दी है फोटोकेमिकल कंडीशन तो हमें पता है कि फोर पाई सिस्टम है और फोटोकेमिकल कंडीशन है क्या होगा डिसरोटेशन होगा यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा दैट मीन्स अगर पहले ट्रांस है तो बाद में भी ट्रांस ही होगा तो इस वाले केस में अगर फोटोकेमिकल कंडीशन लगा दी जाए तो फिर ये रहेंगे आपके प्रोडक्ट ये भी ठीक है फिर और ये भी ठीक है जैसे मर्जी दिखाओ अगर सब्जेक्टिव पेपर है पूरा लिखना है तो फिर आप ये भी बना के दिखाएंगे और लगा देंगे ये भी बन सकता है ये भी मतलब दोनों है तो आपस में ट्रांस ही ठीक है लेकिन अगर एम की बात करें तो फिर आपको ऑप्शन देना है कौन से वाले ऑप्शन में किस तरह से दिया हुआ है हमें ट्रांस चाहिए बस ठीक है इस तरह से, से करते हैं फिर अगर हम बात करें ये हमने रिंग को ओपन करवाया है इसको हम बोलते हैं रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग ठीक है ऐसे ही हम रिंग क्लोजिंग भी करवा सकते हैं जैसे आप सपोज करो मैंने ये ले लिया इस तरह से करके और यहाँ लगा दिया लड़ से मिथाइल है ना इसको हीट करवाया एक मान लो मिठाई यहाँ है और एक यहाँ पर है इस तरह का सबस्ट्रेट मैंने लिया अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा एक मिथाइल बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है एक बाहर एक अंदर मतलब ये क्या है ट्रांस है ठीक है तो ट्रांस हमारे पास सबस्ट्रेट है आगे कैसे करवाएंगे आगे रिंग क्लोजिंग होने वाली है यहाँ पे कैसे इसको आप मान लो यहाँ शिफ्ट किया आपने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया दैट मीनस इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में पाई बुन आएगा और इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में भी पाइप वो सिंगल बुन आएगा ठीक है अगर से समझेंगे ऐसे समझे बोन कैसे ब्रेक करवाए इधर नेगेटिव इधर आया पॉजिटिव इसको ऐसे करवाए तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आया यहाँ पे नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना रहे हैं और ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना रहे हैं बट ऐसे चार्जेस दिखाना मत सब्जेक्टिव पेपर में बिल्कुल मत दिखाना काट देंगे क्योंकि एक्चुअल क्या होता है चार्जेस नहीं बनते हैं ठीक है ये कॉन्सेंट्रेड मैकेनिज्म होता है कोई चार्जेस नहीं बनते हैं यहाँ पे हमने क्या बोला था कि यहाँ पे आएगा एक ये बनेगी फोर मेंबर रिंग यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया इसके उसके बीच में एक बॉन्ड था पहले से एक और बन गया और इसके बीच में इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया अब बात आती है इन मिथाइल की सी लगा लो ऐसे एक यहाँ पर एक यहाँ पर है तो स्टार्टिंग में ट्रांस था है ये फोर पाए सिस्टम क्योंकि यहाँ से देखो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं यहाँ से बॉन्ड बन रहा है ब्रेक हो रहा है ना तो है तो ये फोर पाए सिस्टम सो फोर पाए और साथ में हीट है मतलब कौन रोटेशन होगी कौन का मतलब सी फोर कौन सी फोर चेंज यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करवानी है अभी क्योंकि ट्रांस है तो प्रोडक्ट में कैसे होंगे सिस होंगे दैट मीन्स या तो आप दोनों मिथाइल को ऐसे वेज पे दिखाएं ऐसे दिखाएं या फिर दोनों को डैश पे दिखाएं आपकी मर्जी कैसे दिखाना चाहते हैं बट हाँ अगर ऑप्शन है तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना ऐसे इन दोनों में से कोई बनेगा समझ आया इस तरह से करना है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंपल सा फिर अपना नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल करना स्टार्ट करेंगे सपोज करिए कुछ ऐसा है एक पाइपोन यहाँ है एक पाइपोन यहाँ है एक पाइपोन यहाँ है ठीक है और यहाँ मैंने लगा दिया है लाइट से फोटो कैमिकल कंडीशन कैसे करेंगे इसमें कैसे पहचानेंगे रिएक्शन कौन सी है? यहां पे इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा हमें हमें सिर्फ दिख रहा है कॉन्जुगेटेड -E, साथ में फोटोकेमिकल कंडीशन और सिक्स पाई बोर्ड दिख रहे हैं सॉरी so, थ्री पाबोर्ड्स दिख रहे हैं मतलब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं सो so, सिक्स पाए कौन होता है ऐसे करके क्योंकि फोर पाए हीट कौन है तो सिक्स पाई में फोटोकेमिकल में कौन कंडीशन आएगी मतलब कौन रोटेशन आएगी तो क्या होगा यहाँ पे इस वाले बोर्ड का आप यहाँ शिफ्ट कराएंगे इसको यहाँ शिफ्ट कराएंगे इसको यहाँ शिफ्ट कराएंगे क्योंकि सब्सट्यूट सबूट सब्सिट्यूट लगे ही नहीं हुए हैं तो सिंपल बोर्ड में मतलब इस वाले कार्बिन का इस वाले कार्बिन के साथ यहाँ पे डबल बोंड यहाँ पे डबल बोंड अगर हम नंबरिंग करके देखें तो दिस इज़ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो क्या होगा टू और थ्री के बीच में पाए बोंड फोर और फाइव के बीच में पाए बोंड वन और सिक्स के बीच में सिंगल बोर्ड मतलब सिक्स मेंबर रिंग बनने वाली है इस तरह से लेट्स से कार्बन नंबर वन है ये टू है ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स ठीक है तो वन और सिक्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है वन टू के बीच में पहले पाए बॉन्ड था अब टू और थ्री के बीच में है और फिर यहाँ पे फोर और फाइव के बीच में है तो यहाँ पे ये बनेगा आपका प्रोडक्ट ठीक है इस तरह से हम करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस इतना क्लियर हुआ इसके अलावा अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स करने हैं तो मैंने बहुत पहले चैनल पर इलेक्ट्रोसाइकिल रिएक्शन उसकी वीडियो को लिंक दे दूंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे एक्चुअल में तो ये डिली साइड रिएक्शन ही है बट ये जो फर्स्ट स्टेप है ना इसका उसमें इन्वॉल्व है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं देखो तो यहां पर 90 डिग्री सेल्सियस मतलब थर्मल कंडीशन है थर्मल मतलब हीटिंग है ना यहाँ पर सो so, हीटिंग है यहां पर आओ इस सारे केस में अगर आप इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही तो है जैसे हमने यहाँ पे किया है ये बिल्कुल यही तो है देखो यही वाला पार्ट तो है है ना तो बिल्कुल वैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पर देखो फोर पाए सिस्टम है दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे और दो इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड कॉन्ट्रीब्यूट करेगा फोर पाए सिस्टम है साथ में हो रही है हीटिंग हमने कहा था फोर पाए हीट कौन कौन मतलब C4 कौन C4 चेंज यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी है अभी दोनों ट्रांस पे हैं आपस में है ना प्रोडक्ट में क्या होंगे चेंज होंगे यानी कि सिस हो जाएंगे ठीक है इतना समझ आया तो इस वाले बॉन्ड को मैंने ऐसे किया इस वाले को मैं यहाँ पर लेकर आई इस पर कोई चेंज नहीं आने वाला है ये सिक्स मेंबर रिंग वैसे के वैसे रहेगी सिर्फ इसका एक पाइप हटेगा यहाँ से ये सिस्टम वैसे का वैसे यहाँ पर आप लगाइए ओ ऐसे तो ये क्या होगा ये वाला बोन तो ब्रेक कर रहा है मतलब आप एक तो ऐसे दिखाओ पाई बोर्ड यहाँ पर और एक पाई बोर्ड यहाँ पर ठीक है ये वाला पाई बोर्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ ये सिंगल बोर्ड यहाँ पे पाई बोर्ड में कन्वर्ट हो रहा है ऐसे दिखाया हमने ये अभी ट्रांस है हमने कहा है सी फोर कौन सी फोर चेंज यानी कि सिस दिखाना है तो सिस दिखाने के लिए या तो दोनों ग्रुप को अंदर की तरफ दिखाओ या फिर दोनों को बाहर की तरफ दिखाओ ठीक है आप सपोज करिए मुझे सिस चाहिए था मैंने बाहर की तरफ दिखा दिया या मान लो आपके ऑप्शन में बाहर की तरफ दिखाया हुआ था मैंने बाहर दिखा दिया ओ टी बी एस ऐसे और ये भी दोनों बाहर की तरफ है मतलब सिस है, सिस है है ओवरऑल पहले क्या था ट्रांस था पे इतना समझ में में आया तो तो फर्स्ट स्टेप में तो ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हुई है और हमें ये मिल गया है अब जो ये वाला ये अपने पास जो ये वाला सबस्ट्रेट है ये इस वाले सब्स्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा थर्मल कंडीशन है यहां पर आपको दिख रहा है डाइन है ना और यहां पे क्या दिख रहा है डाइनोफाइल है ना बस रिएक्शन करवाएंगे अब सिंपल रिएक्शन करवानी है दोनों इक्वलेंट है कैसे भी करवाओ तो फर्क नहीं पड़ता उससे आपको कोई चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारे रिंग के बाहर है मतलब ये लेफ्ट है ये हम कंसिडर कर चुके ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और ये भी लेफ्ट है अगर बात करें यहाँ पर तो अभी जैसे मैंने लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये H जो है वो लेफ्ट है लेकिन क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल बोन O कार्बन डबल बोन O है तो मतलब सेकेंडरी इंटरेक्शन भी होगी है ना तुम क्या चाहेंगे अगर सपोज करिए यहाँ पर मैं नंबरिंग करना शुरू करूं ये 1 है ये 2 है ये 1 है ये 2 है सपोज ऐसे करके तो मुझे ये पता है कि जो ये 2 है वो इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाने वाला है मतलब ये 2 टूट हो जाएगा यहाँ पे लेकिन जो ये 1 है ये इसके साथ करेगा सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन दैट मींस यहां पे 1 टू है यहां पे 2 1 टू टू वन है इसको घुमाना पड़ेगा हमें क्या चाहिए अगर वन टू है तो क्या होगा आपको नीड नहीं है अभी हमें तो एच तो को हम राइट पर लेंगे इसे क्या समझ में आया कि जो भी इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी उससे ऑपोजिट दिखानी है हमें इन दोनों एच की स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल हम पहले ही बहुत कर चुके हैं आपको समझ आया ना तो बस वैसे ही करना है स्टार्ट करते हैं इस वाले बोन को यहाँ शिफ्ट करवाइए इस वाले बोंड को यहाँ शिफ्ट करा के दिखाइए इसको यहाँ दिखा दीजिए ऐसे करके ठीक है तो क्या होगा ये वाले बोंड्स वैसे के वैसे रहेंगे जो सब स्टीडियो लगे हुए वो भी सेम रहेंगे उन पर कोई चेंज नहीं आने वाला है जो ये वाली कार्बन है और ये वाली कार्बन के बीच में पाई बोंड आएगा मैंने लगाया यहाँ पे पाई बोंड ठीक है अब इसका बॉन्ड बनेगा इस वाले कार्बन के साथ ऐसे सिक्स मेंबर रिंग बन गई एक ऐसे हमने दिखाई ठीक है ये कार्बन नंबर जो ये वाली है इसके ऊपर लगा हुआ है ओ टीबीएस मान लीजिए मैंने इसको वेज पे दिखाया अगर इसको वेज पे दिखाया है तो फिर जो नीचे वाला ग्रुप है वो भी सेम है ना तो मतलब इसको भी हम वेज पे ही दिखाएंगे ये भी क्या होगा ओ टीबीएस आएगा यहाँ पे ओ टीबीएस ठीक है अब ये वाली कार्बन कौन सी है ये वाली है ये कार्बन है मतलब इससे ये एक और सिक्स मेंबर रिंग ऐसे करके लगी हुई है इधर है डबल वोन ओ यहाँ पर भी है डबल वोन ओ और फिर बाकी सेम बाकी किसी भी सबस्टूडेंट को कुछ नहीं कह रहे हैं वो रेशम में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे वेज पे ओ है तो वेज पे ही ओ रहेगा ठीक है और डैश पे ये जो भी ग्रुप है वापस लगा दो सी ओ टू सी एच टू सी एच टू ट्राई मिठाई सिलाइन ऐसे करके ठीक है बचे क्या है ये दोनों H हमने कहा था अगर ये लेफ्ट हैं तो ये राइट है मतलब इनकी स्टीडियो केमिस्ट्री ऑपोजिट होगी अगर आपको वेज पे दिखा दिया इसको तो डैश पे दिखाइए डैश पैच और ये भी डैश पैच तो ये बन जाएगा आपका इसका फाइनल प्रोडक्ट देखने में ये वाली रिएक्शन बहुत सिंपल है अगर आप एकदम कॉन्सेप्ट वाइज ढंग से अप्रोच करेंगे तो लेकिन एग्जाम में जब आती है कई बार हम अप्रोच नहीं कर पाते कोई ना कोई स्टेडियो कमिस्ट्री हिला देंगे तो बहुत ध्यान से करना है आप ना ये वाली चीज ध्यान रखिए जब भी एग्जाम कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने पढ़ा हुआ है या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आप बहुत प्रैक्टिस करके आए हैं तो क्या होते हैं एक्साइटमेंट में क्वेश्चन गलत करते हैं कि तो, तो मैं आते हैं हम तो फोर मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे हम बहुत फास्ट करेंगे स्टेडियो में स्ट्रीगल करके आ जाएंगे तो बहुत ध्यान से जब आपको देख रहे हैं क्वेश्चन आता है दैट मीन्स अच्छे से करना है इसको नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है ठीक है ये समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले वीडियो पोज करिए और खुद से स्टार्ट करके देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ना अभी आगे, आगे आपको दो तीन क्वेश्चन और दिखेंगे ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं मतलब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें आप स्टार मार्क करना अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्रोच ही है अप्रोचार्टिंग में जो गेम है वो अप्रोच का ही है आपको अप्रोच करना आना चाहिए क्या करेंगे ये एन ठीक है जैसे मान लो एनए सील माइनस वैसे तो ये है एन ए आई एनए प्लस एन ए प्लस और आई माइनस अब जो एन प्लस है यहाँ पे उसको दिख रहे हैं बी के पास लोन पेयर्स तीन लोन पेयर दिख रहे हैं उसको तो क्या हो सकता है कि जो ये बी है वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है

अब यहां से सिस्टम जाएगा अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना बी आर में पॉजिटिव चार्ज है ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा इसे क्या हुआ बी आर पे नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव पॉजिटिव हो गया न्यूट्रलाइज यहां से एनए बी आर निकल गया ठीक है इधर आया पॉजिटिव इधर जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा ऐसे क्या होगा इधर नेगेटिव ये नेगेटिव और पॉजिटिव बनाएंगे बॉन्ड ठीक है इधर आया है पॉजिटिव अब जो ये बी आर है यानी जो ये सी बी आर बॉन्ड है ना इसका जो सिग्मा स्टार है जो सी बी आर बॉन्ड का सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है उसमें ये आई माइनस अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा दैट मीन्स क्या होगा उसका सिग्मा ब्रेक कर जाएगा हम कैसे दिखाएंगे इसको ऐसे दिखा देंगे और जो ये आई माइनस है इसका अटैक यहाँ पे करता हुआ दिखाएंगे आप समझ रहे हैं कि एक्चुअल में जो ये एन ए आई डाला हुआ है काम क्या है इसका इसको ये वाला बी आर भी निकालना है उसको ये वाला बी आर भी निकालना है आप समझे कैसे निकाला उसने पहले एन ए प्लस को इलेक्ट्रॉन दिए चार्ज डेवलप हुआ सिस्टम एक्टिवेट हो गया यहाँ से हमने वाला बॉन्ड ब्रेक करवाया इसको आगे शिफ्ट करा सिर्फ शिफ्टिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की और जो आई माइनस है ये बॉन्ड बनाएगा इसके बी आई के साथ क्या होगा अभी यहाँ बनाते हैं नीचे दिखाते हैं बाकी सब सेम स्टार्टिंग में ये फिनाइल रिंग है इसको बिल्कुल वैसे का वैसे रखेंगे नेक्स्ट सिक्स मेंबर रिंग है इसको भी वैसे का वैसे ही रखेंगे कुछ चेंज नहीं करेंगे ऐसे दिखाया अब आते हैं यहाँ पे ये वापस से फिनाइल सेम एक सेकेंड ये यहाँ पर ऐसे ये तो सिंगल बोन में चेंज हो गया यहाँ पर ओ एम ई है यहाँ पर भी OME है। अब देखो यहां पर आएगा पाई बॉन्ड और यहां पर भी आएगा पाई बॉन्ड आई होप आपको ये समझ में आया है इसके साथ साथ क्या होगा एक तो एनए बी आर निकला था ऊपर से एक तो एनए बी आर आया है और साथ में एक बी आर आई आया है ठीक है ये अपने साइड प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के तो ये बन गया ये अपने पास क्या है ए बना है दिस इज ए हटा देती हूँ काम नहीं है रिएक्शन में बट ये रिलीज होंगे साथ में ठीक है तो ये अपना ए है अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप में ऐड करवाया गया है C U M अब हम कर सकते हैं आराम से डिस अंडर रिएशनों की आपकी डाइन है या आपका डाइनोफाइल है ठीक है स्टार्ट करवाइए इस वाले बॉन्ड को सपोज मैंने इस ऐसे ब्रेक किया इधर नेगेटिव आया ऐसे ऐसे ब्रेक कर रहे हैं ठीक है करते हैं। क्या बनेगा सब कुछ सेम रहने वाला है और यहाँ पे क्योंकि सब्सिट्यू नहीं है तो स्टीरियो की भी दिक्कत नहीं है सिंपल रिएक्शन होगी ऐसे डबल बोन ओ यहाँ पे डबल बोन ओ फिर से एक ऐसे यहाँ पे पाइप आएगा बीच में ये पाइपुंड आया बीच में यहाँ पे ओ एम ई है यहाँ पे भी ओ एम ई है ये हम बीच में पाए बोर्ड लगा चुके हैं ये मैंने ऐसे कार्बन ड्रो करी ऐसे करके इसका बॉन्ड बना है इस वाले कार्बन के साथ ठीक है इसका बॉन्ड बना है इस वाले कार्बन के साथ ऐसे हुआ और फिर यहाँ पर यह लगा C -M -E. ये लगा हुआ है सी यू एम ई ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट बी इस तरह से हम दिखाएंगे ठीक है इसको नोट डाउन करिए ऐसे वाले केसेस में ना अगर ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है जहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर लिख के दिखाना है तो कई बार ना मैं एक रिंग गायब कर लेते हैं आपको ध्यान रहना बहुत आराम से बनाना है कि यहाँ पे ये ऑलरेडी चार कार्बन हमें दिख रहे हैं दो कार्बन यहाँ से आ गए तो ये सिक्स मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पर इस तरह से हम दिखाएंगे ठीक है इतना समझ में आया आगे चलते हैं ये वाला करिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है थिंक ये गेट में आया पहले ये गेट एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेट में भी आ सकता है बहुत ध्यान से करवाना है मेन बात वही वाले ग्रुप को निकालेंगे कैसे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है एक बार वीडियो पोस्ट करिए उसको खुद से ट्राई सॉल्व कर, uh, करने का ट्राई करिए क्योंकि पहले अगर आपने ए बना लिया ए का तो रिएक्शन करवा लोगे ए जो बनाना है ना वो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार ट्राई करिए खुद से आप ना एक बात ध्यान रखिए जहां आपको सबस्ट्रेट में सिलिकॉन दिख जाए और जहां आपको रीजन में एफ माइनस दिख जाए समझ जाओ कि वो उसको डी प्रोटेक्ट करवाने के लिए ही आया है ये एस्ट्रोल में ऐसे है क्योंकि सोडियम की चार बोन्ड बने हुए बिटाइल के साथ और चार बोन्ड का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव आएगा इसके ऊपर और काउंटर एन कौन सा है एफ माइनस ऐसे करके ठीक है तो क्या होगा अब जो सिलिकॉन है अपना उसके पास होती है एम डी ऑर्बिटल इसके पास डी ऑर्बिटल एम्पटी है दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और हम कह दें कि सिलिकॉन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन इस वाले बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिलिकॉन का और फ्लोरीन का बॉन्ड इसीलिए सिलिकॉन ऑक्सीजन को भी और सिलिकॉन फ्लोरीन को भी हम इसको डी प्रोटेक्ट करवाने के लिए यूज़ करते हैं इस वाले क्वेश्चन में ये एफ माइनस यूज होंगे एक और आगे एग्जाम्पल है उसमें हम ऑक्सीजन यूज़ करने वाले हैं देखो ध्यान से सबसे पहले एफ माइनस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर डाल देगा इसमें सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए और आपको पता है आज के नेट एग्जाम में आपसे होमोलिमोन ट्रेसन भी पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर कहाँ गया तो क्या हुआ यहाँ पे फ्लोरिन के नॉन बॉन्डिंग से एफ माइनस के हमने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिए उनको ट्रांसफर किया है डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन मतलब जो हमारे पास एक ग्रुप है सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में डाला है मुझे याद है मुझे एक कॉमेंट दिखा था जिसमें किसी ने बोला था कि मैम जो ये होमो लोमो इंट्रेक्शन वाले क्वेश्चन हैं इनको कहाँ से प्रैक्टिस करें ये किसी बुक में अलग से आपको क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं मिलेंगे आप जो भी रिएक्शन देख रहे हैं उसमें आप सिर्फ ये देखो हर एक रिएक्शन क्या करवा रहे हो आप हर एक स्टेप में रह की मूवमेंट करवा रहे हो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि कौन से वाला बोन कैसे ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं सिग्मा स्टार में पाई स्टार में एम टी डी ऑर्बिटल में या फिर एम टी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डल रहे होंगे आएंगे कहाँ से जनरली नॉन बॉन्डिंग से आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन से आ रहे होते हैं तो आपको देखना है बस ये ठीक है तो अब ये ना अलग से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हर एक रिएक्शन में आपको अप्लाई करके देखना वहीं से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यहाँ पर जैसे इस तरह से है इसको हटा देते हैं क्वेश्चन पे आते हैं वापस तो हम कह रहे हैं कि इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आए तो मैंने ऐसे दिखाया फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा एक नेगेटिव पहले से था नेगेटिव पॉजिटिव हो गया न्यूट्रलाइज इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसमें माइनस आएगा ठीक है अब सिस्टम पे हो गए हैं चार्जेस डेवलप ये चाहेगा जितना जल्दी हो सके चार्जेस को न्यूट्रलाइज करवाना है इधर नेगेटिव है इस वाले बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक कर देती हूँ क्या होगा इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव है ना तो ये बोड ब्रेक भी हो जाएगा और ये न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा अब यहाँ पर नेगेटिव आया मैंने इस वाले बोन्ड को ऐसे ब्रेक करवा दिया इधर नेगेटिव इधर आया पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे बॉन्ड इधर नेगेटिव आ गया है मैंने इसको ऐसे ब्रेक करवा दिया इधर आया पॉजिटिव ये बना लेंगे बॉन्ड ठीक है तो क्या होगा ऐसे करने से ये सिक्स मेंबर फिनाइल रिंग वैसे के वैसे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इसके बाद यहाँ पर आएगा एक पाई बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है मिठाईल जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखना है क्या क्या में स्टीरो केमिस्ट्री भी प्रेडिक्ट करनी है यहाँ पर नीचे तरफ मिठाई लगा हुआ है मैंने वैसे क्या वैसे लगाया इधर आ गया पाई बॉन्ड ये नहीं आएगा ये तो ब्रेक हो गया ना ये आएगा पाई बॉन्ड साथ में क्या हुआ है साथ में क्या क्या रिलीज हुआ है साथ में एक तो है एस आई एफ तीन मिथाइल और साथ में एक एन एम ई थ्री ट्राई मिथाइल अमीन ये दो रिलीज हो गए हैं काम अपना यहाँ पर ये अपना ए बन गया है ठीक है ये अपना ए बना है अब इसको आगे देखो अब ये ऐड कर दिया गया ये आपका डाइन हो गया और यहाँ पर फिर अपने पास ये डाइनोफाइल है सी यू टू एम और यहाँ पर भी सी यू टू एम सीओ टू एम ई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ और भी होती है कि जैसे ये भी डाइन गेयर जैसे काम कर सकता है और ये भी डाइन गेयर जैसे काम कर सकता है यहाँ पे ऊपर वा रहे हो क्योंकि डाइन का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए ना हमें डाइन तो इन दोनों में क्या हो रहा है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये कंपेरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो जो भी डाइन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो पार्टिसिपेट करेगी डी सेल्डर रिएक्शन में क्योंकि यहाँ पे डाइनोफाइल क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ठीक है बस फिर अब तो हो ही गया यहां पर आपको स्टीरियो की टेंशन लेने की आस कोई नीड नहीं है ये दोनों बाहर है मतलब इनको हमने लेफ्ट बोल दिया ये भी लेफ्ट अब यहां पर क्या है जैसे मान लो हमें सेकेंडरी इंटरेक्शन करवानी है तो ये वाला ग्रुप तो यहां पर है उसको चेंज करने की नीड नहीं है ये कर लेगा अगर उसको घुमा के लिखोगे तो फिर ये वाला कर लेगा बात तो भाई ये दोनों इक्विनट सिस्टम है बिल्कुल सेम है सिमेट्रिकल है तो वैसे देखो कि जो ये वाला एच है ये लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है जैसे ये आपका सेंटर ये लेफ्ट और ये राइट तो मतलब ये राइट है और ये भी ये आपका जो एच लगा हुआ है ये भी राइट साइड पे है ऐसे करके डैट मीन्स जो ये दोनों मिथाइल हैं ये एच और ये सी ओ टू एम ई इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री एक रहेगी अगर वैच पे दिखाओ सबको वैच पे दिखा दो और इन दोनों की डिफरेंट रहेगी ये सारे डैश पे जाएंगे फिर ठीक है स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे मान लो इसको मैंने ऐसे दिखाया इसको हमने ऐसे दिखाया और इसको हमने ऐसे दिखा दिया तो ऐसे करके होगा इस वाले कार्बन के बीच में और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बने का बनाता है ये सिक्स मेंबर रिंग पहले से थी यहां पर आएगा बीच में पाई बॉन्ड ऐसे एक और सिक्स मेंबर रिंग बनेगी ऐसे करके ये कार्बन कौन सी है ये वाली कार्बन है अब देखो अगर मैं बात करूँ पहले इस वाली मिठाइल की लेट्स से मैंने इसको वेज पर लगा दिया अगर ये वाला मिठाइल वेज पे है तो फिर नीचे वाला मिठाइल भी वेज पे ही है अगर इसको आप डैश पे दिखाते दे तो फिर नीचे वाले मिठाइल को फिर आपको डैश पे ही दिखाना था और फिर यहां पर हम कह रहे हैं कि जो ये एच होंगे हो तो तो ऐसे अब देखो इसका बॉन्ड बना है इस वाले कार्बन के साथ इसको हमने वेज पे दिखाया अगर तो ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है तो ये भी वेज पे दिखाएंगे और जो ये वाली कार्बन है इसका बॉन्ड बना है इसके साथ यहाँ पर ये राइट साइड पे अगर ये लेफ्ट थी, राइट मतलब ये डैश पे जाएगा तो उसको आप डैश पे दिखाइए ऐसे CO2, टू एम ई रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट ठीक है इस तरह से हम दिखा सकते हैं क्लियर हुआ ऐसे कर सकते हैं आगे चलते हैं फिर है ये वाला क्वेश्चन ओके okay, यहां पे ना थोड़ा सा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट अभी आपका ध्यान नहीं जाएगा लेकिन अगर एग्जाम में आगे ना फंस जाओगे ध्यान रखो यहाँ पे क्या है हीट्रो एटम इंक्लूडेड है आपके डाइन में क्योंकि डाइन में क्या होता है डाइन में हमने अब तक सारे कार्बन देखे हैं स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम्पल दिए अभी हमारे पास हीट्रो एटम थे तो ये फिर से हीट्रो एटम का एग्जाम्पल है यहाँ पे कार्बन नहीं है डबल वन ओ है अभी आपको फिर भी प्रॉपर शेप देख रही है कि डाइन है ये डाइनोफेला आप रिएक्ट करवा लोगे लेकिन अगर ये एग्जाम में कुछ इस तरह से आ जाए ऐसे तो फिर हम फंसेंगे

क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डाइन है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये जो डाइनोफाइल होगा दैट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच तो यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हमेशा डाइन ही इलेक्ट्रॉन रिच होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है आज के और एग्जाम में आपको स्टेटमेंट देते हैं बताते पूछते हैं कि कौन सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी करेक्ट नहीं है तो अगर ये लिखा है कि डाइन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच तो ये स्टेटमेंट फुल्स है कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं डील साइडर रिएक्शन जहां पर डाइन इलेक्ट्रॉन डिफिशियन होती है और डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है ठीक okay. है ओके रिएक्शन कैसे करवाएंगे क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन बोन तो फिर ऐसे ही ब्रेक होगा कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेसिटी ज्यादा आए इधर पॉजिटिव आए इसको मैंने ऐसे ब्रेक करवाया इधर पॉजिटिव आ रहा है इसको कैसे करवाएंगे ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन एक्सिटी देखे स्टेबलाइज कर सकती है पॉजिटिव चार्ज को तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक करवाया कि इधर नेगेटिव आए इधर पॉजिटिव आए पॉजिटिव कोई स्टेबलाइज कर दे ठीक है इधर पॉजिटिव आया था मतलब इसका बॉन्ड बनने वाला है इसके साथ इसका बॉन्ड बनने वाला है इसके साथ यानी कि सिक्स मेंबर रिंग तो बनेगी बट यहाँ पे रिंग में इस एक ऑक्सीजन आएगा ऐसे करके ये है बीच में आएगा पाई बॉन्ड यहाँ पर है सी ओ टू ईटी यहाँ पर है मिथाइल इस वाले कार्बन पे है ओ टी तो ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट ठीक है सिंपल डील एंडर रिएक्शन ही है और मैं चाहूँगी एक बार आप इस पर टेम्परेचर पर भी ध्यान दें माइनस सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस पे भी ये रिएक्शन आराम से हो रही है ठीक है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको हीट ही करना पड़ेगा अगर स्टेटमेंट में पूछें तो फंसना नहीं है ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल आ सकता है नेट में नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन आते हैं फोर मार्क्स में कैसे करेंगे स्टार्टिंग में तो वही है ये है बेंजीन है ये फिनाइल रिंग और साथ में एक एच को उन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है तो यही है इसको बेंजीन को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया गया है रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है तो ये अपना डाइनोफाइल ये अपना डाइन डाइन में इस बार फिर से एक ही आइटम है ठीक है ओके okay. तो हम एक काम करवा सकते हैं आप कैसे भी ब्रेक करवा दो उसको हमने ऐसे ब्रेक करवाया इसको ऐसे करवाया इसको हम यहाँ पर ले आए ठीक है इसे ऐसे मैंने रिएक्शन करवाई इसको ऐसे ब्रेक करवाने का रीज़न ये भी था कि यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा उसको ये अपने इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज कर सकता है ठीक है अगर ऐसे ब्रेक करवाते नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन एक्सिटी और बढ़ती यहाँ पे भी यह रिपल्शन होता बोन वीक हो जाता ठीक है हमने इसको ऐसे ऐसे ब्रेक करवाया रिएक्शन करवाएंगे ये वाली कार्बन इससे कंबाइन करेगी मतलब सिक्स मेंबर रिंग तो बननी ही है इधर आया नाइट्रोजन बीच में ठीक है नाइट्रोजन के पास लगा हुआ है एन एम ई टू एन एम ई टू और यहाँ पर आया पाइबॉड ये लगा हुआ है मिथाइल यहां पर आते हैं ये वाली कार्बन ये वाली कार्बन है तो यहां पे ये सिक्स मेम्बर रिंग है इधर डबल बोन ओ है इधर भी डबल बोन ओ है उसके बाद ये फिनाइल रिंग यहां पर आया ओ एम ई ऐसे हमने दिखाया ठीक है ओके okay. इसके बाद ये आपका ए है दिस इज योर ए अब यहां पर ना एर लिखा हुआ है आपको ध्यान रखना से क्या मतलब होता है कि एयर के प्रेजेंस में यानी कि अगर आप ओपन रख दोगे कंटेनर को तो फिर ये ऑक्सीडेशन हो सकता है एयर में अपने पास ऑक्सीजन भी होती है मॉइस्चर भी होता है तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन करवाता है और ऑक्सीडेशन की कई सारी डेफिनेशन होती हैं एक तो हम बोलते हैं बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ कर रही है तो भी क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है ऑक्सीडेशन ही होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है ऑक्सीडेशन है और साथ ही में लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है तो ये डेफिनेशन नहीं भूलनी है आपको ऑक्सीडेशन कई तरह से हम देखते हैं यह है इस वाले क्वेश्चन में हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले लॉस ऑफ हाइड्रोजन का ठीक है हमने कहा कि एयर के प्रेजेंस में क्या होने वाला है ऑक्सीडेशन होगा कैसे होगा पहले वो देखते हैं ये निकलेगा कैसे वो भी देखते हैं देखो यहाँ से जो ये नाइट्रोजन है इसके पास एक लॉन् पेयर है इस वाले नाइट्रोजन के पास भी एक लॉन पेयर है मतलब हिट्रो आइटम का बॉन्ड है वैसे ही वीक होता है क्या होता है दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में तो बॉन्ड वीक हो जाता है जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा इधर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है इसको मैंने ऐसे घुमाया इधर नेगेटिव आया नेगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे मोट इधर आए पॉजिटिव अब यहाँ पे दो एच है जिनको हम इस तरह से निकाल के दिखा सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट टाइम कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पर जो ये ऐसे सिक्स मेंबर रिंग थी एक पाईबोंड यहाँ पर आया है यहाँ से H प्लस निकला है यहाँ से ठीक है और ये एन एम ई टू निकला था मतलब यहाँ पे क्या होगा ये H प्लस को लेकर क्या बनेगा एन एच एम ई टू और यहाँ पर आ जाएगा पाईबोंड यहाँ लगा हुआ मिथाइल ग्रुप और फिर है आपका ये बाकी सिस्टम वैसे क्या वैसे जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल सेम रखो ऐसे हो गया और यहाँ पर ये यह फिर से फिनाइल और यहाँ पर ओ एम ई ऐसे हमने दिखाया साथ में क्या हो है साथ में रिलीज हुआ है एन एच एम ई टू प्रॉपर लेकर दिखाएं तो एक एच अच्छा मुझे ना इसका वो बताना आप पॉइंट कमेंट सेक्शन में ठीक है मैंने ड्रॉ भी करके दिखा दिया है ये आपका लॉन्ग पेयर है आप मुझे इसका पॉइंट व्यू बताएंगे कमेंट सेक्शन में ठीक है देखते कौन बता पाता है ध्यान से करना ठीक है ओके okay, कहाँ थे हम यहाँ पहुँचे अब ये बन गया है है तो ये एयर में ही मतलब ऑक्सीडेशन हो सकता है ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो है ना तो यहाँ पर जो ये एच लगा हुआ है और जो ये वाला एच लगा हुआ है ये हट जाएंगे यहाँ से हटने बाद क्या हो होगा पाइप जाएगा ठीक है हो मैं बना देती हूँ मतलब ये सब्सटीट्यूटेड पीरियड हमने बना दिया यहाँ पे ये पाइप आया इधर ऐसे करके ये मिथाइल है और बाकी सारा सिस्टम सेम बाकी सब सेम है ऐसे डबल बोन ओ यहाँ पर भी डबल बोन ओ इधर ये बेंजीन रिंग है ऊपर लगा हुआ है ओएम ई ठीक है तो ये रहेगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बी ठीक है इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने चाहिए तो ये मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट और सेकंड एम्प्ट हमने किया है उसको आपको एक बार देख लेना चाहिए टू एक्स करके देखो जल्दी खत्म हो जाएंगे वीडियोस लेकिन जो ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ना जैसे मान लो एयर आ गया आगे वगैरह करना उससे रेशन करवा लोसाइड्रोजन अपना ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लोगे और एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे ठीक है तो ये आपका रिएक्शन हो गया है मुझे आप इसका बताएंगे पॉइंट ग्रुप पक्का बताना आगे देखते हैं अब करेंगे ये वाला क्वेश्चन सिंपल है अब तो हम देख भी चुके कैसे करता है ये ये वो ऐने एक सेकंड ये वन ऐसे यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा सिक्स मेंबर रिंग बनेगी अब इस पर कार्बन से अटैच है ना तो यहाँ पर लगा हुआ है एन एम ई टू ऐसे करके इधर आया पाई बॉन्ड इधर आया मिथाइल ठीक है जो ये वाली कार्बन है इसने इस वाले कार्बन से बोड बनाया था बट तीन बोंड थे तो दो तो बचेंगे एक ब्रेक है सिर्फ यहाँ पे आएगा सी ओ टू एम ई और यहाँ पे भी सी ओ टू एम ई ये बना लेकिन ये यह फर्दर यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है तो फर्दर रीअरेंजमेंट होगी कैसे दिखाएंगे जैसे हमने पहले दिखाया था इसको निकाला बाहर इसको ऐसे शिफ्ट करवाया और यहाँ से जो ये दो एच है इनमें से एक एच दे देगा अब आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे हो कैसे रहे ड्राइविंग फोर्स क्या है इसका सो so, ड्राइविंग फोर्स ये है कि अभी ये सिस्टम क्या एरोमेटिक नहीं है अब ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक है जैसे मैं इस करके निकालूंगी ना इसको तो ये एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट होगा तो जो ये एरोमेटाइजेशन हो रहा है यही इसका ड्राइविंग फोर्स है बन गया एरोमेटिक सिस्टम ठीक है इसी वजह से स्टेप हो रहा है तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं आपको पूरी लाइन्स लिखने की नीड नहीं होती है क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो आप ऐसे शोर्ट में लिखिए उसको सिंपल यहाँ पर ये और यहाँ पर आप आ, कर सकते हैं लिख सकते हैं साथ में ड्राइविंग फोर्स क्या है ऐसे ड्राइविंग फोर्स। फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम फॉर्मेशन ऑफ एरोमैटिक सिस्टम और जब भी किसी सिस्टम को अगर एरोमैटिक बनने का मौका मिल रहा है वो तो बनेगा ही बनेगा हंड्रेड परसेंट ठीक है तो ये है इस टेप का ड्राइविंग फोर्स इसलिए रिएक्शन हो रही है और आगे मिलेगा आपको जो पेरीडीन है सब्सटीट्यूटेड वो मिलेगा आपको मेजर प्रोडक्ट ठीक है इतना समझ आया आगे चलते हैं ये भी अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत ध्यान से करेंगे ठीक है पहले तो सिंपल है uh, इसको ऐसे दिखा दिया हमने इसको ऐसे ले, तो सिक्स मेंबर रिंग तो बननी है इधर आपका नाइट्रोजन लगा हुआ है इधर ये कार्बन है और यहाँ पर फिनाइल है इस तरह से दिखाया हमने और ये आपकी फाइव मेंबर रिंग है उसको वैसे ही रहने दो इधर डबल बोन ओ और यहाँ पर भी डबल बोन ओ इस तरह से दिखा दिया बाकी यहाँ पर पाइप आएगा पाइप आया और यहाँ लगा हुआ है ओ एस आई एम ई थ्री इस तरह से हमने दिखाया ठीक है अब एक चीज़ देखो अब यहाँ पर ये यह फिनाइल रूप नहीं निकलेगा आप कार्बन कार्बन का बोंड नहीं ब्रेक करवा सकते हो ठीक है जैसे हमने पहले वाले रिएक्शंस में क्या किया था यहाँ पे ये यह कार्बन का और नाइट्रोजन का बोन्ड था ब्रेक करवा दिया और यहाँ से हम न्यूट्रल स्पीशीज भी निकाल रहे थे एनएच एम टू निकला था, था यहाँ से वो भी निकल रहा था साथ में एरोमेटिक भी सिस्टम बन रहा था यहाँ पर भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बोन्ड ब्रेक करवाया है ना यहाँ पर क्या है इस वाले केस में कार्बन का और फिनाइल का फिनाइल भी क्या है ही है ना तो कार्बन कार्बन का बोन है ये आप नहीं ब्रेक करवा सकते ध्यान रखना कार्बन कार्बन बोन नहीं ब्रेक होएगा इतना स्टेबल बोन है वो नहीं ब्रेक होएगा क्या करेंगे इसके अलावा हम आप देखो पहले ये रिएक्शन है, है देन मिथाइल सॉरी मिथेनॉल देन आपको मिथाइल एल्कोहल दिया हुआ है ठीक है तो कैसे कर सकते हैं होगा क्या मैंने कहा था कि सिलिकॉन का और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और सिलिकॉन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉग होता है रीजन क्या है वैसे स्ट्रांग होने का ये कि जो सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल है इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोगलाइज हो है जाते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर देखो अपने पास से सिलिकॉन है मिथेनॉल ऐड किया गया है तो मिथेनॉल क्या करवा सकता है मिथेनॉल के पास ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के पास पेयर्स हैं सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो एक काम हो सकता है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डाल दे इसके डी ऑर्बिटल में ठीक है तो अगर इलेक्ट्रॉन डालेगा तो क्या बनेगा डायरेक्ट यहां ले दे ऑक्सीजन अटैच है एक एच से एक मिथाइल से ऐसे इलेक्ट्रॉन दिए इसने प्लस आएगा इसने एक्सेप्ट किए इधर माइनस आएगा इतना ठीक है यहां पे बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में अब ये सिस्टम चाहेगा खुद को न्यूट्रलाइज करना कैसे हो सकता है इस वाले बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक करवाऊँ सो दैट सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज आए और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए न्यूट्रलाइज ठीक है ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया अब इसको भी तो स्टेबलाइज होना है ये यहाँ से एच प्लस निकल जाएगा ठीक है कैसे दिखाएंगे मैं यहाँ दिखा देती हूँ इधर ओ माइनस आया था यहाँ से एच प्लस निकला था तो मैंने ये ओ एच बना दिया ठीक है बाकी यहाँ पे नाइट्रोजन और ये सिक्स मेंबर रिंग इस तरह से करके यहाँ पे फिनाइल है और बाकी आपका पूरा सिस्टम सेम तरह से हमने दिखा दिया ठीक है इसके अलावा क्या हुआ बाकी सब में तो हम यहां से यहां तक पहुंच गए हैं ठीक है अब ये अपने पास क्या है ये इनोल है अच्छा साथ में क्या होगा साथ में रिलीज हो जाएगा यहां लिख देती हूँ सिलिकॉन है उसके पास तीन मिथाइल ग्रुप है और ऊपर लगा हुआ है ओ सी एच थ्री साथ में यह रिलीज हो गया है ना अब आते यहां पर ये कैसे आपके पास इनोल फॉर्म है दिस इज इनोल फॉर्म इन मतलब डबल बोन ओल मतलब ओ एच डबल बोन इसको हम कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ये वाला बोन्ड मैंने ऐसे ब्रेक करवाया ये वाला बोन्ड ऐसे ब्रेक करवा दिया दैट मीन्स ये एच प्लस है वो एन माइनस के पास चला जाएगा ठीक है तो ऐसे करके हम ये वाला प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं इधर फिनाइल लगा दो एन के पास एच आ गया यहाँ बन गया डबल वोन ओ बाकी सब सेम ऐसे ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से ठीक है ये रहेगा आपका आंसर समझ आया आगे चलते ये ये है ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अगर ये ऐसे लिख के आए ना एग्जाम में तो मैं गारंटी दे सकती हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन को लीव करके आएंगे माइंड में आएगा ही नहीं कि यहाँ पे डील साइडर रिएक्शन हो सकती है एक्चुअल में ये डील साइडर रिएक्शन ही है कैसे होगी फिनाइल और नाइट्रो आपस में ट्रांस है इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि लेट से मैंने फिनाइल यहाँ पे दिखाया ऐसे करके यहाँ पर मुझे नाइट्रो दिखाना है फिर काम करो ऐसे दिखा दो नाइट्रो ग्रुप है नाइट्रो मतलब कैसे होता है ऐसे यहाँ पे क्या फिनाइल है यही तो है एक ही बात है जैसे मैंने लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है एक ही बात है है ना तो इस तरह से लिखा इसको हम थोड़ा सा और रीअरेंज अगर कर दें तो ये नाइट्रोजन इधर ये ऐसे आया इधर आया ऐसे का कि माइनस ये अटैच है इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन पे है ऐसे पाई बॉन्ड और फिर जो ये फ़िनाइल है सर ट्रांस में है तो अगर ऐसे है तो फिनाइल फिर यहाँ पर होगा तो इसको अगर पहले मैंने ऐसे ओपन करके दिखाया फिर इसको ऐसे करके दिखा दिया है तो एक ही बात सिर्फ इसको लिखने का तरीका डिफरेंट हुआ है मेरा इस तरह से ये हमारे पास सिस्टम है अब ये रिएक्ट करेगा साइक्लो पैं पेंट, पेंटिंग के साथ ऐसे होगा फिर से वही डी साइडर रिएक्शन ही हो रही है यहाँ पे भी ये वाला बोन ऐसे ब्रेक होगा ये ऐसे और ये ऐसे तो यहाँ पर सिक्स मेंबर रिंग बनेगी ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है ऐसे करके ये सिंगल बोन में कन्वर्ट हो गया इधर ओ माइनस है अच्छा यहाँ पे प्लस भी था साथ में ना ऐसे तो इधर आएगा पाए बोन्ड इसमें प्लस रहेगा फिर ऐसे यहाँ पर फिनाइल है दोनों बॉन्ड कौन से हैं ये वाले बॉन्ड्स है तो बाकी यहाँ पे फाइव मेंबर रिंग तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर एव मैं देख लेती हूँ बॉन्ड्स टी बनाए ना हमने नाइट्रोजन के चार बॉन्ड थे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो बट यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वहाँ पे वही रहेगा आपका फाइनल आंसर ठीक है इसको आप नोट no डाउन कर लो अगर बात करना चाहें यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री की ये फिनाइल नीचे की तरफ है मतलब लेफ्ट है ये दोनों एच पी क्या है लेफ्ट है तो ये भी लेफ्ट है मतलब क्या होगा सबकी स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होगी इसको अगर आप डैश पे दिखा दें तो फिर ये वाले एच पी आपको डैश पे ही दिखाने पड़ेंगे ऐसे डैश पे ठीक है ये रहेगा आपका फाइनल आंसर ठीक है तो इस वाली क्लास में हम इतना ही करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले रिज्यो केमिस्ट्री ऑफ डील्स एंड रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी के लिए इतना ही आई होप आपको क्लास ये, ये वाली क्लास अच्छी समझ में आई होगी और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने देखे उनको आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा उनको आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहे हैं ठीक है तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हैप्पी लर्निंग